नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं कोमल आर्य। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में बिहार जो है वो पाँचवें स्थान पे है क्राइम को लेकर के। आपको बता दें, अगर पिछले साल की बात की जाए, पिछले रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार बिहार जो है वो छठे स्थान पर था। इस रिपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। बिहार की सरकार हर मायने में फिसड्डी साबित हुई है। वो रिपोर्ट तो आई है। नीति आयोग ने भी कहा है कि विकास में सबसे फिसड्डी है, क्राइम में फिसड्डी है। हर तरह से ये गवर्नमेंट फेल है, फेल हो चुकी है, और इसके लिए बिहार की जनता दिमाग बना रही है। 2020 में उसका निराकरण कर देगी। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन है, क्या लग रहा है? मेरा कहने का मतलब है कि एक टर्म होता है थेथरोलॉजी, थेथर हम कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज में जो बातें जाती है उसको माना जाता है। समाज यही कह रही है कि इनका सुशासन नहीं है, कुशासन है। चाहे शराबबंदी का मामला हो, या फिर जल जीवन हरियाली का मामला हो, या फिर वो जो जल नल जल योजना की बात है, सब में करप्शन का भेंट चढ़ गया है और यहाँ कोई विकास का काम ठीक से नहीं हो रहा है। चलिए, अब सरकार थेथरोलॉजी में विश्वास करती है। चलिए, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी ने, किस तरह सरकार पर हमलावर है। वो कह रहे हैं सरकार जो है वो थेथर हो चुकी है, सुशासन बाबू अब नाम के सुशासन बाबू रह गए हैं। तो बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे रिपब्लिकन न्यूज। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।